गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो ये है आपके सामने ओलो का बेस वेरिएंट ट्रेंड लाइन। ये 1.0 MPY इंजन है। ओलो का मेन कंपटीशन है जैज के साथ, i20 के साथ, बलेनो के और गलेंजा के साथ और टाटा एल्ट्रोस के साथ। सही करें पोलो को भाई 2010 में वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर दिया गया था अवार्ड, और इसको इसकी जो सेफ्टी है वो में 4 स्टार दिए गए हैं। इसके अलावा इसकी जो एवरेज सेल है वो 1000 से 1200 के बीच में है। तो इसका एक बार फ्रंट से वॉक राउंड करते हैं। तो इसमें मिलते हैं नॉर्मल हेलोजन लैंप विद टर्न इंडिकेटर, ये यहाँ पर ब्लैक कलर की ग्रिल, और ये लोगो वॉक्सवैगन का जो इसको स्पोर्टी लुक देता है। साइड की बात करें तो इसमें 14 इंची के टायर है, 175/70 R14, और जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 168 mm है, जबकि इसकी जो कंपटीशन है एल्ट्रोज की और जैज की इससे कम है, और i20 और ग्लैंजा की और ब्लेनो की इससे 2 mm यानी 170 mm है, जो इससे 2 mm ज़्यादा है। तो अगर इसकी लेंथ की बात करें पोलो की तो 39-71 mm है, चौड़ाई इसकी 1682 mm है, और इसकी हाइट है 1469 mm, और इसकी व्हील बेस है 2469। तो इसकी यार बैक प्रोफाइल दिखाते हैं हम आपको। बैक में 4 पार्किंग सेंसर, ब्यूटीफुल टेल लैंप विद टर्न इंडिकेटर, यहाँ पर ये 2 रिफ्लेक्टर हैं। देखिए यहाँ से ये खुल जाती है। पार्सल ट्रे एसेसरी का पार्ट है। 280 की बूट स्पेस है इसका, जो कि इसका बूट स्पेस मतलब इसके कंपटीशन में अपने कंपटीशन सबसे कम है। इसके अलावा इसकी जो ये सीट है ये फुल फोल्ड हो जाएगी, लेकिन इसकी सीट की सबसे बड़ी खासियत क्या है भाई, बिल्ड क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। सीट क्वालिटी की सबसे बड़ी सीट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ से ये सीट फ्लैट हो जाएगी, इसको फोल्ड करके आप इस साइड कर सकते हो, और ये इसको बिल्कुल नीचे करके बिल्कुल ये फ्लैट हो जाएगी, तो जिससे आपका बूट स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप देखो तो इसमें एक बात और बताना भूल गया मैं, यहाँ से ये ओपन होगा, इसमें एक ये इमरजेंसी एग्जिट भी है, यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट है। इसमें फ्रंट के डिस्क और बैक के ड्रम ब्रेक मिलेंगे। इसके अलावा ये गाड़ी 7 कलर में अवेलेबल है, जिसमें 4 ईयर और 1 लाख की वारंटी मिलती है और 3 फ्री सर्विस मिलती है। इसके अलावा इसमें सेफ्टी फीचर्स में ड्यूल एयरबैग, ABC, रियर पार्किंग सेंसर और हाई अलर्ट स्पीड सिस्टम भी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंजन इमोबिलाइजेशन भी इसमें उपलब्ध है। चलिए अब अंदर चलते हैं। तो ये इसकी की है भाई, सेंटर लॉकिंग के साथ आती है। यहाँ पर आपको 2 पावर विंडो मिलेंगे। इसके अलावा ये लॉक अनलॉक के बटन, इधर लैंप लाइट ऑन ऑफ करने का फ्रंट की जो लैंप है। इसके अलावा ये जो आपका स्टेयरिंग देख रहे हो लेदर रैप है, ये मतलब इन्होंने करवा रखा है। डी कट स्टेयरिंग है, कोई माउंटेन कंट्रोल नहीं है, ये भी एसेसरी का पार्ट है। ये इसमें 12 वोल्ट का चार्जर पॉइंट भी है, सॉकेट 12 वोल्ट का सॉकेट, इसमें आप चार्जिंग कर सकते हो। एक बार इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं।
इधर नॉर्मल एसी, कोई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं। यहाँ पर इसके साइड मिरर मैनुअल एडजस्टेबल है। अब जो स्टेयरिंग है ये डी कट में आता है, जो इसको मतलब बेहद स्पोर्टी लुक देता है। यहाँ वॉक्सवैगन का लोगो। इसके अलावा जो सामने आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं, इसमें ये स्पीडोमीटर हो गया, ये आरपीएम मीटर हो गया। इसके अलावा ये डिजिटल जो हमें टेम्परेचर शो करेगा, एवरेज शो करेगा गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। इसके अलावा ये इसकी सर्विस की भी इंफॉर्मेशन देगा, इसकी सर्विस इतने किलोमीटर के बाद होएगी। तो यार बेहद ब्यूटीफुल, मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा इसका मतलब स्टेयरिंग लगा, पूरा का पूरा स्पोर्टी लुक। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना भूल गया, बेस वेरिएंट में ही वॉक्सवैगन में हाइट एडजस्टेबल है सीट, परंतु लेकिन उसके बाद भी आपको जो बोनट है वो दिखाई नहीं देगा। चाहे आप 6 फिट के हो, आपको बोनट नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा जो इसका स्टेयरिंग है वो टिल एंड टेलीस्कोप दोनों में आता है, ये भी बहुत बढ़िया फीचर है भाई बेस वेरिएंट में ही। कई गाड़ियों में तो यार एक ही आता है, मतलब दोनों चीज़ें नहीं आती है टॉप वेरिएंट में भी। इसके अलावा इसका यहाँ पर आपको कोई भी हैंड रेस्ट नहीं मिलेगा। इसका ये गियर बॉक्स है, इसको ऐसे करके आपको बैक गियर लग जाएगा। इसका मिरर थोड़ा सा यार छोटा दे रखा है, लेकिन फिर ठीक है, कोई बड़ी नहीं। बिल्ड क्वालिटी भाई A1 है वॉक्सवैगन की। इसमें आप मतलब कोई भी जर्मन मोटर्स ने, जर्मन्स की कार ने समझौता नहीं कर रखा है इसके साथ। मुझे लग रहा था कि नॉर्मल की आएगी, लेकिन शायद आप देने लग गए होंगे बेस वेरिएंट से ही। तो अभी चलते हैं यार पीछे की सीट पर, एक बार आपको पीछे का भी दिखा देते हैं। पीछे कोई रियर एसी नहीं है, जबकि इसके कंपटीशन में आपको रियर एसी i20 मिल जाएगा। एल्ट्रोस में भी, बेस वेरिएंट में तो नहीं मिलेगा। रियर में आपको पावर विंडो नहीं मिलेगी, आपको मैन्युअली विंडो को अप एंड डाउन करना पड़ेगा। बाकी यार स्पेस की बात करूँ तो देखो स्पेस तो गाड़ी में यार कमी है, क्योंकि यार ये फ्रंट व्हील ड्राइव के लिए जानी जाती है, इसमें स्पेस की काफ़ी कमी है। मतलब पीछे यार आगे मतलब 6 फीट के दो बंदे बैठ जाए तो पीछे स्पेस ही नहीं बचेगा। स्पेस मुझे बहुत कम लगा। तो ये था इसका पूरा का पूरा वॉक अराउंड रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।